तो चलिए दोस्तों, आप कहीं लेके आ गए हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो भी हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और दोस्तों आपने मार्केट में नाम सुना होगा फ्लेक्सिबल टेम्पर्ड ग्लास, मैट टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल स्किन, कार्बन स्किन, लेदर टाइप स्किन, ट्रांसपेरेंट स्किन, आपने ऐसे नाम सुने होंगे मार्केट में। और मुझे पता आपने सुने हैं, आप में कोई भी कह रहा नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। आपने टेम्पर्ड सुना ही होगा, और कुछ सुना हो ना सुना हो, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास तो आपने सुना होगा। दोस्तों आज मैं मैट टेम्पर्ड ग्लास बहुत चर्चा में है, और गेमिंग टेम्पर्ड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है, और फ़ोन की स्किन के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये वीडियो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाली है, और आप रियलमी XT की यूज़र हो तो आपके लिए और ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैंने उसी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और मैंने इन्हें यूज़ करा है, क्या है इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या आपको लगाना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, बस यही चीज़ें जो हमें आपसे चाहिए होती है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन टेम्पर्ड ग्लास से। दोस्तों ये टेम्पर्ड ग्लास मैट टेम्पर्ड ग्लास कहलाता है जो मैंने लगाया है, बाकी बिना मैट वाला भी आता है, मैट नहीं होता, ग्लॉसी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन मैट लगाया है मैंने क्योंकि मुझे मैट ही मिला मार्केट में, वरना मैं ग्लॉसी लगाता। मैट के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, गेमिंग टेम्पर्ड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन ये मैट टेम्पर्ड ग्लास जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल मैट फिनिश है इसके अंदर, और बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है, गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर वहीं पीछे स्किन के बारे में बात करें तो थोड़ी कार्बन फाइबर जैसी ये ट्रांसपेरेंट फिनिश में होती है स्किन, जो हमने पीछे लगा रखी है अपने Realme XT के। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज से पहले एक बार बताऊँ, इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाँ स्किन को थोड़ा आपको संभल के लगाना पड़ेगा, इधर से उधर होगी तो उखाड़नी पड़ेगी, जो कि मुझे करना पड़ा था, लेकिन होपफुली ये ख़राब नहीं हुई उखाड़ने में, बिल्कुल सही सलामत लग चुकी है। और दोस्तों बात करें इसके एडवांटेजेस की, दोस्तों इसके एडवांटेज पहले तो ये हैं, ये फ्लेक्सिबल टेम्पर्ड ग्लास है, मतलब आसानी से गिरने पर टूटेगा नहीं, स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं लेकिन टूटेगा नहीं, आपके डिस्प्ले पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं जाएगा इसका। अगर हार्ड टेम्पर्ड ग्लास की बात करें तो अगर मानिए टूटा नहीं तो उसका इम्पैक्ट इतना होगा डिस्प्ले पे जाएगा आपकी, और डिस्प्ले आपकी क्रैक हो ना हो, कुछ भी ना हो डिस्प्ले में, ना क्रैक आए कहीं से भी, कुछ भी स्क्रैच नहीं आए, लेकिन आपकी डिस्प्ले डेड हो सकती है तो उसका इम्पैक्ट इतना तेज़ होगा। तो फ्लेक्सिबल टेम्पर्ड ग्लास का ये फ़ायदा, मतलब पतले टेम्पर्ड ग्लास होने का, कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, और फ्लेक्सिबल होने का मतलब है फायदा टूटेगा भी नहीं, और स्क्रैचेज आ सकते हैं लेकिन 9 इंच हार्डनेस वाला है, अब वो कितनी बार सच है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम टेस्ट करके देख लेने वाले। और बात करूँ मैं इसकी, मैं तो फ्लेक्सिबल की बात कर रहा था, लेकिन अब जो मैंने मैट मंगाया, मैट की बात करें तो मैट के सरफेस जो बहुत स्मूथ होता है, ऑलियोफोबिक कोटिंग हुई भी होती है इसके ऊपर, मैं आपको अभी टेस्ट करके बताता हूँ। और इसके ऊपर आप गेमिंग काफ़ी अच्छे से कर पाते हो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है, डिसएडवांटेजेस भी हैं आगे हम आपको बताएंगे। और बात करें स्किन की एडवांटेजेस की दोस्तों, तो स्किन की एडवांटेज ये हैं, इसके जो डिसएडवांटेज मुझे पता नहीं है एक भी, लेकिन एडवांटेजेस ही हैं इसकी, कि ये लगने के बाद आपके फ़ोन का, मतलब आप बिना कवर के यूज़ कर सकते हो फ़ोन को, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कैमरा लेआउट को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बाकी ग्लास बैक है तो क्रैक तो हो जाएगा ग्लास बैक, लेकिन इसका कलर फाइबर फिनिश ऐसा है कि आपको पता नहीं चलेगा ग्लास ब्रेक है कि नहीं है, और जो आपकी फिनिश है मोबाइल की वही बनाए रखता है, 10 साल बाद भी इसे उखाड़ के देखोगे आपका मोबाइल की बैक ऐसी ही रहेगी, और इससे ग्रिप भी काफ़ी अच्छी रहती है, अगर ग्लास बैक है तो फिसलने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इससे आपके फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है, और मतलब इसकी वजह से फ़ोन आसानी से स्लिप भी नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील आती है इस फ़ोन को पकड़ने में ऐसी तरह की स्किन लगाने के बाद। और दोस्तों अब आपके दिमाग में ख्याल होगा कि मैंने स्किन भी लगा दी, एक टेम्पर्ड ग्लास भी लगा दिया, तो मेरा फ़ोन बल्की हो गया होगा, मोटा हो गया होगा। दोस्तों इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने स्किन बहुत पतली और ये टेम्पर्ड ग्लास फ्लेक्सिबल पतला मंगाया था, क्योंकि मुझे अपना फ़ोन बिना कवर के यूज़ करना था, मैं उसे कम्फर्टेबल फील होना चाहता था। तो उससे टेम्पर्ड ग्लास बहुत मामूली सा फील होता है, अगर हम ऐसे पकड़ते हैं अपने फ़ोन को तो बहुत मामूली सा मोटा फील होता है फ़ोन, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है कवर के मुकाबले फ़ोन अपने हाथों में। अब दोस्तों बात करें, हमने स्क्रीन और बैक को तो बचा लिया, फ्रेम्स का क्या, वो फ्रेम्स तो भैया किस्मत पे, गिरा मोबाइल टूटे पिचके क्रैक होए ब्रेक होए वो सब किस्मत के ऊपर है फ्रेम्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर एल्युमिनियम फ्रेम्स हैं तो पिचकेंगे, हो सकता है थोड़ा डेंट आ जाए, ऐसी चीज़ हो सकती हैं, लेकिन प्लास्टिक फ्रेम्स का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और ना ही मैं ऐसे फेंकने वाला हूँ, वो आपको देखना है तो आप गुप्ता इन्फॉर्मेशन सिस्टम चैनल है, वहाँ पर आप जाके किसी भी फ़ोन का जो जो फोन के उन्होंने अपने डाल रखे हैं ड्रॉप टेस्ट वगैरह या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप जाके देख सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज मुझे स्किन की एक भी लगी, बस एक चीज़ है, क्योंकि अगर आप स्किन का पूरा एक शीट लेंगे तो आप उसे अपने हिसाब से काट के पूरे को चिपका दिया, उसके बाद साइड से कटिंग कर दी, तो एक स्नक फिट काफ़ी एक अच्छी फिटिंग आएगी हर जगह से। क्योंकि मैंने एक कटा कटाया मतलब रेडीमेड मंगाया था फ्लिपकार्ट से, तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं साइड की फिटिंग काफ़ी अच्छी है हर तरफ से, लेकिन एजिस पे से और थोड़ा नीचे से थोड़ा ये लगने से रह गया है, छोटा पड़ गया है टाइम इसकी स्किन, लेकिन नो डाउट स्किन से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जो कि आ रही है हमारी टेम्पर ग्लास की तरफ से। दोस्तों जो टेम्पर ग्लास है हमारा, इसकी वजह से मेरी स्किन की क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज हो गई है। अब जैसे मैं इसमें कोई वीडियो चलाता हूँ हायर क्वालिटी पे, तो इसकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई आती है। मैं इसे 480p पे चला रहा हूँ तो अभी थोड़ा धुल्ला धुल्ला होने लग रहा है, इसलिए जो कंटेंट मैं 360p में चलता था बिल्कुल सेम वही कंटेंट 480 में चल रहा है। अब मुझे 480 वाला कंटेंट चाहिए तो मुझे 720p पे लगाना पड़ेगा, और कभी कभी केसेस में कुछ वीडियो केसेस में और हायर क्वालिटी में जाना पड़ सकता है। दोस्तों ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, तो वो है इसकी ब्राइटनेस और कलर्स फोन के। दोस्तों कलर्स का तो खैर इंडोर में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कलर्स इसके जो विविडनेस होती है एमोलेड डिस्प्ले की खासतौर पर वो ख़त्म कर देता है ये मैट टेम्पर क्लास, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन थोड़े बहुत कलर्स की मुझे कमी लग रही है, हो सकता है मैट फिनिश होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, और जाहिर सी बात है उसी वजह से लगेगा। और दूसरी चीज़ की बात करें, जो कि मैंने आपको बताया था आउटडोर विजिबिलिटी, जो इसकी ब्राइटनेस है दोस्तों, इसकी मैट फिनिश होने की वजह से इसकी स्क्रीन एकदम से चमकती है, जो हमारे आँखों में जाकर इसकी लाइट आती हैं वो चमक थोड़ी इसकी कम हो जाएगी, वो अलग बात है थोड़ी हद तक ब्लू रेज भी कम कर देगा, लेकिन वो जो आउटडोर विजिबिलिटी वो कम हो जाती है। इसके लिए आपको हाई ब्राइटनेस वाला फ़ोन चाहिए, जैसे 1000 nits या 800 nits से ऊपर ब्राइटनेस वाला। इसके अंदर 500 nits के आसपास ब्राइटनेस है, लेकिन मैं इसे आउटडोर में टेस्ट बिना टेम्पर्ड के भी करता हूँ तो भी मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। अब पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन इसकी ब्राइटनेस और कलर्स और इसकी स्क्रीन क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है आपका मैट टेम्पर्ड ग्लास लगाने के बाद। मैं फ्लेक्सिबल की बात नहीं कर रहा, आप फ्लेक्सिबल लगाएं ग्लॉसी लगाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको गेमिंग करनी है और आपको मतलब मैट फिनिश में चाहिए कि ज़्यादा चमके वमके नहीं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो मैट टेम्पर्ड ग्लास की तरफ, वरना आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ग्लॉसी वाले की तरफ जाओ ना कि मैट की तरफ, क्योंकि इससे आपकी स्क्रीन क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होती, मतलब जो थी आपको 320 में दिखती है आपको 480 में दिखेगी, और जो 480 में आपको बिना टेम्पर्ड की दिखती है वो आपको 720 में इस वाले टेम्पर्ड के साथ दिखेगी। दोस्तों कुछ ऐसा ही है, बाकी आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट वगैरह सही काम करते हैं इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है, और इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है टेम्पर्ड की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए प्लीज़, यही आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और हो सके तो वीडियो में कमेंट में करिएगा आपके पास कौन सा फ़ोन है और क्या आपने टेम्पर्ड ग्लास लगा रखा है या फिर आपके हाथ से कभी फ़ोन गिरा है, और हो सके वीडियो को शेयर भी करिएगा। और दोस्तों टेक न्यूज़ रात को हो सकता है थोड़ी जल्दी आए या फिर थोड़ा लेट आए या फिर आए ना, इसके लिए मैं अभी पहले से ही बता दे रहा हूँ आपको। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। So I'm just